सर कल शाम को एक घटना घटी है शहर के अंदर, इसके बारे में बताया क्या जान करता। तो हमें सूचना मिल गई थी कि एक छोटी बच्ची के साथ किसी ने कोई गलत हरकत की है, जिसके ऊपर हमने उसकी घर वालों की तरफ से कंप्लेन लेके मुकदमा दर्ज कर दिया पॉक्सो एक्ट का, और बच्ची को ट्रीटमेंट के लिए रोहतक रेफर। तो कब की घटना, कब सूचना मिली सर? ये कल हमारे पास 8:30-9 बजे के आसपास फोन आया था। हमारी 112 मौके पहुंच गई थी, फिर हम भी मौके पहुंच गए, तो जल्दी जितना जल्दी हो सकता था हॉस्पिटल में ले आए लड़की के साथ। तो उसके साथ कुछ छेड़खानी वगैरह ऐसी कुछ वारदात हुई है, और उसके ऊपर हमने पॉक्सो एक्ट और 376 का मुकदमा दर्ज कर लिया। मेडिकल रिपोर्ट वगैरह भी सही? मेडिकल रिपोर्ट तो अभी रेफर कर दिया, लेकिन यहाँ की आ गई लड़के अभी वो तक लड़की अभी नहीं। रोहतक। अच्छा, तो ये जो लोग थे कहाँ के रहने वाले थे? जो आरोपी है वो बिहार के रहने वाले बताए गए हैं, तो हमने राउंड अप किया है लड़कों कितने लोगों को पकड़ा पुलिस ने? को, दो बच्चों को राउंड अप किया है, लेकिन एक तो उसका आरोपी जो अभी तक है, तो एक ही लड़का आरोपी वो एक मेन आरोपी, उसमें नाबालिग बताया गया है सर। ये अच्छा बिहार का रहने वाला है। अच्छा तो सर, जैसे काफी लोग बाहर के रह रहे हैं, काफी बड़े सवाल उठता है कि पुलिस उनकी जांच करके यहाँ पे नहीं रखती है, मकान मालिक भी बिना वेरीफाई करके देखो, हमने बिना अच्छी आईडी के। तरह अच्छा, से, वैसे पुलिस हफ्ते सोमवार को मंगलवार को हम सुबह सुबह सारी झुग्गी झोंपड़ियाँ और वैसे किराएदारों को हम चेक भी करते हैं, और सभी मकान मालिकों को हमारी तरफ से और हमारे अधिकारियों की तरफ से भी हिदायत है कि जिनके पास जो किराएदार आके रहता है, तो उनका वेरिफिकेशन थाना में आके करवाएं। और आगे भी हम शहर वालों को कहते हैं कि अगर जिनके पास बाहर से कोई किराएदार आता है, तो प्लीज उसकी वेरिफिकेशन करवाएं और थाने में उसकी सूचना दें। नहीं, अब भी सर काफी लोग ऐसे हैं जो बाहर के हैं जिनका कोई वेरिफिकेशन नहीं है। इसका भी हमने पता किया था कि 2 दिन पहले ही वहां रहने के लिए आया था। नहीं, लड़का 1.5-2 महीने से वहाँ रह रहा है, हमने पूछताछ में करी थी। पहले शहर से 1-1.5 साल से शहर में ही रह रहा है, और दूसरी जगह रह रहा था, लेकिन अभी 2 महीने से उसी मकान के अंदर आया। बिना आईडी बिना पुलिस वेरिफिकेशन के अगर किराएदार रखते हैं तो मालिक पर भी कार्रवाई हो सकती है जी सर? आरोप की पुष्टि हो गई है, लोग हाँ, वो है इतनी तो वैसे उसने पूरे वो नहीं है कि, लेकिन उसने फिंगरिंग वगैरह या कुछ किया है हरकत। बताइए जी, इस घटना पर क्या कहना? ये बहुत ही घिनौनी हरकत हुई है। कल रात को लगभग 7:30 बजे ये घटना हुई है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। 7:30 बजे ये दो बिहारी व्यक्तियों ने एक बेटी के साथ, 8 साल की बेटी के साथ घिनौना कृत्य किया। मोहल्ले वासियों ने उस बिहारी को पकड़ के 112 नंबर पे कॉल किया और उसको पुलिस के हवाले किया गया। और रात को इसकी महेंद्रगढ़ सिविल हॉस्पिटल में इसकी पुष्टि भी हुई कि बच्ची के साथ घिनौनी हरकत हुई। उसके बाद हायर सेंटर पीजीआई रोहतक में उसको रेफ़र कर दिया गया। आज सुबह बच्ची की दादी से मेरी बात हुई, उसको मैंने हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि जल्दबाजी में जब मुझे पता लगा तो वो गिर गए, उसके सिर में भी, उसकी दादी के सिर में भी चोट आई। बच्ची की हालत अभी ठीक नहीं है। अभी हमने उनसे पता किया कि पुलिस स्टेशन में क्या कार्रवाई हुई, तो अभी आधे घंटे के अंदर अंदर हम यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहाँ पता करेंगे कि क्या FIR लॉज हुई, क्या कार्रवाई हुई। लेकिन जिस बिल्डिंग के अंदर ये घटना हुई, उस बिल्डिंग के अंदर पहले भी एक बच्ची आज से 6 महीने पहले भगा करके ले जाई गई, और एक ही बिल्डिंग के अंदर इतने इतने लोग रहना, 200-250 लोग रहना, ये बहुत गलत है। जिनकी कोई आईडी नहीं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं, हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इसके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जो भी बाहरी व्यक्ति यहाँ पे रह रहे हैं उनकी आईडी प्रूफ चेक करके और इनको, इनकी आईडी चेक करें, और बिना आईडी प्रूफ के किसी को भी मकान किराए पे ना दिया जाए। सरकार से फिर दोबारा मांग है कि इसके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और मीडिया से भी मेरा अनुरोध है कि बच्ची के साथ जो हुआ, पुलिस में, प्रशासन से, मीडिया भी अपनी तरफ से मांग करे कि शहर में भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए कोई बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये छोटी कार्रवाई नहीं है।